आरबीआई की एमपीसी मीटिंग की गई, जिसमें गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा यह कहा गया कि इंडियन इकोनॉमी कम्प्लीटली डाउनवर्ड टर्न में जा चुकी है। यह एक इमरजेंसी मीटिंग थी जो 3 नवंबर 2022 को कंडक्ट की गई थी। वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज का जो सेशन का डेट है वो 9 नवंबर 2022 है। आज का पॉइंट, आज का मुद्दा हमने जाना, चलिए इस मुद्दे को एक्सप्लोर करें और जाने विशेष। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा मीटिंग के दौरान यह कहा गया कि जिस तरह से इन्फ्लेशन में चेंज देखी जाएगी, उस तरह से पॉलिसी रेट में भी चेंज की जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पिछले 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में, मतलब 9 मंथ में, इन्फ्लेशन के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगा पाई और इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इस कारण से एमपीसी मीटिंग के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। इस मीटिंग के दौरान 2016 से लेके आज तक जितनी भी एमपीसी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के दौरान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फर्स्ट टाइम एक्सप्लेनेशन देना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को। एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। ये 6 मेंबर मिलके हर एक 3 महीने में एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन किया जाता है और कुछ कंक्लूजन निकाली जाती है। 2022 में एमपीसी की मीटिंग हर एक महीने कंडक्ट की जा रही है और इस मीटिंग का कारण बढ़ती हुई महंगाई है जो इंडिया के अंदर आसमान छू चुकी है। इसके कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में, मतलब पिछले 9 महीने में 3 बार रेपो रेट, मतलब पॉलिसी रेट में चेंज दिखाई, जो चेंजिंग 4% से स्टार्टिंग होके 5.9% तक देखा गया। इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ी और यह इमरजेंसी मीटिंग 45ZN RBI एक्ट के द्वारा की गई। 3 पॉइंट और 3 मुद्दा जिसके ऊपर इमरजेंसी एमपीसी की मीटिंग की गई वह इस प्रकार से है। सबसे पहला, फेलियोर टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेलियोर घोषित हुई इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने में। रिमीडियल एक्शन प्रपोज्ड। रिमीडियल एक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या प्रपोज किया गया और एस्टिमेटेड टाइम पीरियड टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट। इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के लिए क्या टाइम पीरियड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। इन सभी मुद्दों के ऊपर एमपीसी कमेटी की मीटिंग की गई। इन्फ्लेशन के कारण एमपीसी की मीटिंग की गई, जो अर्जेंट मीटिंग थी और इमरजेंसी मीटिंग के रूप में जाना गया। यह मीटिंग करने का कारण सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन ही था। बढ़ती महंगाई, इंडिया के अंदर जो बढ़ती महंगाई देखी जा रही है, उसके कारण यह मीटिंग कंडक्ट की गई। अगर आप पीछे के डाटा को देखें तो सितंबर 2022 में इन्फ्लेशन 7.4% तक पहुंच चुका था और यह इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है, जिस कारण से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ी। कंडक्ट करने के बाद इस मीटिंग के मुद्दे के ऊपर डिस्कशन किया गया और यह एक्सपेक्टेड है, यह एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि अगले महीने दिसंबर 2022 में एक और मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। और जैसा शक्तिकांत दास के द्वारा रिपोर्ट में कहा गया कि दिसंबर 2022 में एक बार फिर से पॉलिसी रेट, मतलब रेपो रेट में चेंज की जाएगी और हाइक लाई जाएगी, ताकि इन्फ्लेशन को इंडिया के अंदर घटाया जा सके। तो मेरे द्वारा इस सेशन को बाइंड अप किया जा रहा है और मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल बैंक एंड फिन इन्फो को सब्सक्राइब करें, मेरे सेशन के वीडियो को देखें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स।